महज कुछ ही महीने पहले की बात है जब सलमान ने शाहरुख खान की इम्तियाज अली फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस की थी। सलमान ने ट्वीट करते हुए लिखा था, शाहरुख खान की फिल्म आ रही है, डेट मैंने डिसाइड कर दी है, अब टाइटल तुम लोग डिसाइड कर लो। पर उसी डेट पर अक्षय कुमार की टॉयलेट एक प्रेम कथा की रिलीज डेट क्लैश होने के कारण शाहरुख ने अब अपने फिल्म का रिलीज डेट प्रीपोन कर दिया है। जी हाँ, 11 अगस्त के बजाय अब ये फिल्म 4 अगस्त को रिलीज होगी। वेल, ये पहली बार था जब सलमान ने शाहरुख की फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस की थी, पर अब शाहरुख ने उसी डेट को टाल दिया। क्या अब सलमान हो जाएंगे शाहरुख से खफा? आपको इस बारे में क्या लगता है? हमें अपने सुझाव बताइए और कॉमेंट करिए।